राज्य के क्रीड़ा व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने यह कहा कि देश को तीसरी महाशक्ति बनाने वालों में जो महान लोग हैं वे सभी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। उनके गांव के शिक्षकों ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है, उनका बड़ा योगदान शामिल है। इसलिए शिक्षकों के काम को किसी भी पैमाने पर नहीं मापा जा सकता है, उनका काम महान है। जिला परिषद द्वारा दिए गए आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील केदार उपस्थित थे। इस दौरान केदार ने संबोधित करते हुए शिक्षकों की भूमिका और उनके अतुलनीय योगदान पर अपनी भावना व्यक्त की। कार्यक्रम में जिला परिषद की अध्यक्ष रश्मि बर्वे, सभापति भारती पाटिल, तापेश्वर वैद्य, उज्ज्वला बुढ़ारी, नेमावली माते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर फुटानी, शिक्षा अधिकारी चिंतामणि वंजारी उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों के हाथों जिला परिषद के 15 शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आदर्श पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में शिक्षक सुजाता भानसे, जितेंद्र ध्रुवे, विजय कृपाल, महेंद्र मेश्राम, नीलिमा राउत, शेषराव टाकलखेड़, उत्तम मनकवड़े, चिंतामन ताजने, संजय ढोके, रंजीत बाकड़े, येशीराम राउत, वसुंधरा किटकुले, संजय दुर्गे, संगीता साके, डॉक्टर यमुना नाकले का समावेश था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।